नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु मधुरी प्रथमे हेडलाइंस नुआ वेरिएंट परे स्वास्थ्य विभाग नुआ गाइडलाइन नुआ भूताणु विमान बंदर आसपा आशंका फरेन यात्री इंटरनेशनल क्वारंटाइन कंट्रोल व्यवस्था विदेश आसुवा यात्री को करा जाउछे सर्विलांस पुणे स्ट्रेचर बुहाले गर्भवती रास्ता नथिबारो गांव को पहुंची पारिलानी आंबुलांस अढ़े किलोमीटर स्ट्रेचर बुहिले आंबुलांस कर्मचारी देवगड़ तिलेबणी ब्लॉक बांकदरह गांव आसला अभाव बालेश्वर निमारु शिशुकन्या निखोज घटना गुरुतर अवस्था उद्धार साईस्मिता को मृत घोषणा कले डाक्तर चिकित्सा पाई बस्ता मेडिकल होता भर्ती गांतांटर खेलुवा बेले होता निखोज चिलिकार सुरक्षा बलय भेद कर पक्षी शिकार जड़े पक्षी शिकारी गिरफ सह छटी मृत विदेशी पक्षी जबत कई फुल बेचने पुराटन दे पक्षी शिकार सूचना गिरफ शिकारी सुंदरपुर चारिघरिया का संसद शीतकालीन अधिवेशन आरंभ आज बस सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री समेत संसदीय दल नेता जोगदेवे अपराह तीनटे एनडीए मीटिंग आसिया संपूर्ण खबर को आज मन की बात कार्यक्रम में देशवासी को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह हेब प्रधानमंत्री 83वां मन की बात कार्यक्रम तेज मन की बात कार्यक्रम जरिया प्रधानमंत्री देशवासी को संबोधित कर सबसे जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। ऐसा ही एक रोचक प्रोग्राम पिछले दिनों दिल्ली में हुआ, आजादी की कहानी बच्चों की जुबानी। कार्यक्रम में बच्चों ने स्वाधीनता संग्राम से जुड़ी गाथाओं को पूरे मनोभाव से प्रस्तुत किया। खास बात यह भी रही कि इसमें भारत के साथ ही नेपाल, मॉरिशस, तंजानिया, न्यूजीलैंड और फिजी के स्टूडेंट्स भी शामिल हुए। हमारे देश का महारत्न ओएनजीसी भी कुछ अलग तरीके से अमृत महोत्सव मना रहा है। ओएनजीसी इन दिनों ऑयल फील्ड्स में अपने स्टूडेंट्स के लिए स्टडी टूर का आयोजन कर रहा है। इन टूर्स में युवाओं को ओएनजीसी के ऑयल फील्ड ऑपरेशंस की जानकारी दी जा रही है। उद्देश्य ये कि हमारे उभरते इंजीनियर राष्ट्र निर्माण के प्रयासों में पूरे जोश और जुनून के साथ हाथ बटा सके। साथियों, आजादी में अपने जनजातीय समुदाय के योगदान को देखते हुए देश ने जनजातीय गौरव सप्ताह भी मनाया है। देश के अलग अलग हिस्सों में इससे जुड़े कार्यक्रम भी हुए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा और ओंगे ऐसे जनजातीय समुदाय के लोगों ने अपनी संस्कृति का जीवन प्रदर्शन किया। एक कमाल का काम हिमाचल प्रदेश में ऊना के मिनिएचर राइटर रामकुमार जोशी जी ने भी किया है। उन्होंने पोस्टेज स्टैम्प पर ही, यानी इतने छोटे से पोस्टेज स्टैम्प पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के अनोखे स्केच बनाए हैं। हिंदी में लिखे राम शब्द पर उन्होंने स्केच तैयार किए जिसमें संक्षेप में दोनों महापुरुषों की जीवनी को भी उकेरा गया है। मध्य प्रदेश के कटनी से भी कुछ साथियों ने एक यादगार दास्तान गोई कार्यक्रम की जानकारी दी है। इसमें रानी दुर्गावती के अदम्य साहस और बलिदान की यादें ताजा की गई है। ऐसा ही एक कार्यक्रम काशी में हुआ। गोस्वामी तुलसीदास, संत कबीर, संत रैदास, भारतेंदु हरिचंद्र, मुंशी प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद जैसी महान विभूतियों के सम्मान में 3 दिनों के महोत्सव का आयोजन किया गया। अलग अलग कालखंड में इन सभी की देश की जन जागृति में बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपको ध्यान होगा, मन की बात के पिछले एपिसोड्स के दौरान मैंने 3 प्रतियोगिताओं का उल्लेख किया था, कॉम्पिटिशन की बात कही थी। एक देशभक्ति के गीत लिखना, देशभक्ति से जुड़ी आजादी के आंदोलन से जुड़ी घटनाओं की रंगोली बनाना और हमारे बच्चों के मन में
भव्य भारत के सपने जगाने वाली लोरी लिखी जाए। मुझे आशा है इन प्रतियोगिताओं के लिए भी आप जरूर एंट्री भी भेज चुके होंगे, योजना भी बना चुके होंगे और अपने साथियों से चर्चा भी कर चुके होंगे। मुझे आशा है बढ़ चढ़ करके हिंदुस्तान के हर कोने में इस कार्यक्रम को आप जरूर आगे बढ़ाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, इस चर्चा से अब मैं आपको सीधे वृंदावन लेकर चलता हूं। वृंदावन के बारे में कहा जाता है कि ये भगवान के प्रेम का प्रत्यक्ष स्वरूप है। हमारे संतों ने भी कहा है, यह आशा धरी चित्त में, यह आशा धरी चित्त में कहत जथा मति मोर, वृंदावन सुख रंग कौ, वृंदावन सुख रंग कौ काहू न पायो और। यानी वृंदावन की महिमा हम सब अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से कहते जरूर हैं, लेकिन वृंदावन का जो सुख है, यहां का जो रस है, उसका अंत कोई नहीं पा सकता, वो तो असीम है। तभी तो वृंदावन दुनिया भर के लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता रहा है। इसकी छाप आपको दुनिया के कोने कोने में मिल जाएगी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में एक शहर है पर्थ। क्रिकेट प्रेमी लोग इस जगह से भली भांति परिचित होंगे क्योंकि पर्थ में अक्सर क्रिकेट मैच होते रहते हैं। पर्थ में एक सेक्रेड इंडिया गैलरी, इस नाम से एक आर्ट गैलरी भी है। यह गैलरी स्वान वैली के एक खूबसूरत क्षेत्र में बनाई गई है और ये ऑस्ट्रेलिया की एक निवासी जगत तारिणी दासी जी के प्रयासों का नतीजा है। जगत तारिणी जी वैसे तो है ऑस्ट्रेलिया की, जन्म भी वहीं हुआ, लालन पालन भी वहीं हुआ, लेकिन 13 साल से भी अधिक समय वृंदावन में आकर के उन्होंने बिताया। उनका कहना है कि वे ऑस्ट्रेलिया लौट तो गई, अपने देश वापिस तो गई, लेकिन वो कभी भी वृंदावन को भूल नहीं पाई। इसलिए उन्होंने वृंदावन और उसका आध्यात्मिक भाव से जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही वृंदावन खड़ा कर दिया। अपनी कला को ही एक माध्यम बना करके एक अद्भुत वृंदावन उन्होंने बना लिया। यहां आने वाले लोगों को कई तरह की कलाकृतियों को देखने का अवसर मिलता है। उन्हें भारत के सर्वाधिक प्रसिद्ध तीर्थस्थलों वृंदावन, नवाद्वीप और जगन्नाथपुरी की परंपरा और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यहां पर भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी कई कलाकृतियां भी प्रदर्शित की गई हैं। एक कलाकृति ऐसी भी है जिसमें भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठा रखा है, जिसके नीचे वृंदावन के लोग आश्रय लिए हुए हैं। जगत तारिणी जी का यह अद्भुत प्रयास वाकई हमें कृष्ण भक्ति की शक्ति का दर्शन कराता है। मैं उन्हें इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, अभी मैं ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बने वृंदावन के विषय में बात कर रहा था। ये भी एक दिलचस्प इतिहास है कि ऑस्ट्रेलिया का एक रिश्ता हमारे बुंदेलखंड के झांसी से भी है। दरअसल झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रही थी तो उनके वकील थे जॉन लैंग। जॉन लैंग मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के ही रहने वाले थे। भारत में रहकर उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का मुकदमा लड़ा था। हमारे स्वतंत्रता संग्राम में झांसी और बुंदेलखंड का कितना बड़ा योगदान है ये हम सब जानते हैं। यहां रानी लक्ष्मीबाई और जलकारी बाई जैसी वीरांगनाएं भी हुई और मेजर ध्यानचंद जैसे खेल रत्न भी इस क्षेत्र ने देश को दिए हैं। साथियों, वीरता केवल युद्ध के मैदान में ही दिखाई जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। वीरता जब एक व्रत बन जाती है और उसका विस्तार होता है तो हर क्षेत्र में अनेकों कार्य सिद्ध होने लगते हैं। मुझे ऐसी ही वीरता के बारे में श्रीमती ज्योत्सना ने चिट्ठी लिखकर बताया है। जालौन में एक पारंपरिक नदी थी नून नदी। नून
यहाँ के किसानों के लिए पानी का प्रमुख स्रोत हुआ करती थी, लेकिन धीरे धीरे नून नदी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई। जो थोड़ा बहुत अस्तित्व इस नदी का बचा था उसमें वो नाले में तब्दील हो रही थी। इससे किसानों के लिए सिंचाई का भी संकट खड़ा हो गया था। जालौन के लोगों ने स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया। इसी साल मार्च में इसके लिए एक कमेटी बनाई गई। हजारों ग्रामीण और स्थानीय लोग स्वतः स्फूर्त इस अभियान से जुड़े। यहाँ के पंचायतों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया और आज इतने कम समय में और बहुत कम लागत में ये नदी फिर से जीवित हो गई है। कितने ही किसानों को इसका फायदा हो रहा है। युद्ध के मैदान से अलग वीरता का ये उदाहरण हमारे देशवासियों की संकल्प शक्ति को दिखाता है और ये भी बताता है कि अगर हम ठान ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। और तभी तो मैं कहता हूं सबका प्रयास। मेरे प्यारे देशवासियों, जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो बदले में प्रकृति हमें भी संरक्षण और सुरक्षा देती है। इस बात को हम अपने निजी जीवन में भी अनुभव करते हैं और ऐसा ही एक उदाहरण तमिलनाडु के लोगों ने व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया है। ये उदाहरण है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का। हम जानते हैं कि तटीय इलाकों में कई बार जमीन के डूबने का खतरा रहता है। तूतुकुड़ी में भी कई छोटे आइलैंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ रहा था। यहाँ के लोगों ने और विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए ही खोजा। ये लोग अब इन टापुओं पर पालमेरा के पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ साइक्लोन और तूफानों में भी खड़े रहते हैं और जमीन को सुरक्षा देते हैं। इनसे अब इस इलाके को बचाने का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, प्रकृति से हमारे लिए खतरा तभी पैदा होता है जब हम उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं या उसकी पवित्रता नष्ट करते हैं। प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन भी करती है और हमारी दुनिया में नए नए रंग भी भरती है। अभी मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, मेघालय में एक फ्लाइंग बोट की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। पहली ही नजर ये तस्वीर हमें आकर्षित करती है। आप में से भी ज्यादातर लोगों ने इसे ऑनलाइन जरूर देखा होगा। हवा में तैरती इस नाव को जब हम करीब से देखते हैं तब हमें पता चलता है कि ये तो नदी के पानी में चल रही है। नदी का पानी इतना साफ है कि हमें उसकी तलहटी दिखती है और नाव हवा में तैरती सी लगने लग जाती है। हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं, जहाँ के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजोकर रखा है। इन लोगों ने प्रकृति के साथ मिलकर रहने की जीवन शैली आज भी जीवित रखी है। ये हम सब के लिए भी प्रेरणा है। हमारे आसपास जो भी प्राकृतिक संसाधन है हम उन्हें बचाएं, उन्हें फिर से उनका असली रूप लौटाएं। इसी में हम सबका हित है, जग का हित है। मेरे प्यारे देशवासियों, सरकार जब योजनाएं बनाती है, बजट खर्च करती है, समय पर परियोजनाओं को पूरा करती है तो लोगों को लगता है कि वो काम कर रही है। लेकिन सरकार के अनेक कार्यों में, विकास के अनेक योजनाओं के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें हमेशा एक अलग सुख देती है। सरकार के प्रयासों से, सरकार की योजनाओं से कैसे कोई जीवन बदला, उस बदले हुए जीवन का अनुभव क्या है, जब ये सुनते हैं तो हम भी संवेदनाओं से भर जाते हैं। यह मन को संतोष भी देता है और उस योजना को लोगों तक पहुंचाने की प्रेरणा भी देता है। एक प्रकार से ये स्वांतः सुखाय तो है। और इसलिए आज मन की बात में हमारे साथ तो ऐसे साथी भी जुड़ रहे हैं जो अपने हौसलों से एक नया जीवन जीत कर आए हैं। इन्होंने आयुष्मान भारत योजना की मदद से अपना इलाज कराया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की है। हमारे पहले साथी हैं राजेश कुमार प्रजापति, जिन्हें हृदय रोग की बीमारी, हार्ट की समस्या थी। तो आइए राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते। आपकी राजेश जी बीमारी क्या थी, फिर किसी डॉक्टर के पास गए होंगे, मुझे जरा समझाइए।
स्थानीय डॉक्टर ने कहा होगा, फिर किसी और डॉक्टर के पास गए होंगे, फिर आप निर्णय नहीं करते होंगे या करते होंगे, क्या क्या होता था? जी मुझे हार्ट में प्रॉब्लम सर आ गई थी, मेरे सीने में जलन होती थी सर। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पहले तो बताया हो सकता बेटा तुम्हारे एसिड होगी, तो मैंने काफी दिन एसिड की दवाई कराई, उससे जब मुझे फायदा नहीं हुआ फिर डॉक्टर कपूर को दिखाया, तो उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे जो लक्षण है उससे एंजियोग्राफी से पता चलेगा, तो उन्होंने रेफर किया मुझे श्री राम मूर्ति में, उनसे मिले हम अमरेश अग्रवाल जी से, तो उन्होंने मेरी एंजियोग्राफी करी, फिर उन्होंने बताया कि बेटा ये तो तुम्हारी नस ब्लॉकेज है, तो हमने कहा सर ये किसने कितना खर्चा आएगा, उन्होंने कहा कार्ड है आयुष्मान वाला जो पीएम जी ने बनवा के दिया, तो हमने कहा सर है हमारे पास है, और सारा इलाज उसी कार्ड से हुआ है सर। और जो आपने ये बनाया है कार्ड बहुत ही अच्छी तरीके से, हम गरीब आदमियों के लिए बहुत सहूलियत इससे, और आपका कैसे मैं धन्यवाद करूं। आप करते क्या है राजेश जी? सर मैं इस समय तो प्राइवेट नौकरी करता हूं सर। और आयु कितनी है आपकी? मेरी 49 साल है सर। इतनी छोटी आयु में आपको हार्ट का ट्रबल हो गया? हाँ जी सर, क्या बताएं। आपके परिवार में भी पिताजी को या किसी माताजी को या इस प्रकार का पहले रहा है कि? नहीं सर, किसी को नहीं था सर, ये पहला है हमारे साथ ही हुआ है। ये आयुष्मान कार्ड भारत सरकार या कार्ड देती है गरीबों के लिए, एक बहुत बड़ी योजना है, तो ये आपको पता कैसे चला? सर ये तो इतनी बड़ी योजना है, गरीब आदमी बहुत इससे बेनिफिट मिलता है, वो इतना खुश है सर। हमने तो हॉस्पिटल में देखा कि इस कार्ड से कितना लोगों को सहूलियत मिलती है, जब डॉक्टर से कहता कार्ड मेरे पास है सर, तो डॉक्टर कहता ठीक वो कार्ड लेके आइए, मैं उसी कार्ड से आपका इलाज कर दूंगा। अच्छा कार्ड न होता तो आपको कितना खर्चा बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर साहब ने कहा था बेटा इसमें बहुत सारा खर्चा आएगा बेटा अगर कार्ड नहीं। तो प्रधानमंत्री का 83वां मन की बात कार्यक्रम आपण माने सुनुथले एवं प्रधानमंत्री देशवासी को मध्य संबोधित करछंते। आसे परवर्ती खबर को राजधानी रो कॉन्ट्रैक्ट किलर गिरफ कलाक नयापल्ली थाना पुलिस से घटना रे दुई बंदूक और गुड़ी जबत करा जाय छि। जने व्यवसायी को हत्या करबा को आसीथिला, तबे खबर पाए पीछा करथिला पुलिस से जीवन को बाजी लगाई कॉन्ट्रैक्ट किलर को काबू करछि पुलिस। सर्पके बर्तिले आईआईसी एसआई व अन्य पुलिस कर्मचारी, तेज अभियुक्त ना विभिन्न थाना संगीन अपराधिक मामला रही जमापड़ी। ए बाबद अधिक सूचना पाई सहित रिपोर्टर संतोष जेना जोड़े रही। संतोष आज किसी समय पूर्व अपडेट देते जे किलर अच्छा परिचय जदिव मिल पारे कि ग्यांग्रे सामिल अच्छा ग्यांग्रे के आउ क्यों क्यों अपराधिक मामल से जड़ित रही पुलिस पक्ष कौन से तथ्य हस्तगत हो पार। मुंगेरु आसीथिला बंधुक, बंधुक रे प्रस्तुत होता गुड़ी केवल मर्डर पाई अपेक्षा, मर्डर करने अपेक्षा करते अभियुक्त ये हूँ से मुंगेरु आसीथिबा अभियुक्त। सीधासलख आम आपको भिजुआल देखु मुंगेरु आसीथिबा ये दुईट बंधुक, गोटे हूँ 8 राउंड आउ गोटे हूँ 7 राउंड। केवल बंधुक नथिला सांगरे थिला चिली स्प्रे अर्थात रेड चिली स्प्रे, ये जदि कहा ऊपर को स्प्रे करा जाउछि ताले किभली भाव रे स्थिति आपण देखुछंती। सीधासलख भिजुआल आम आपको देखू जे अभियुक्त संपद स्वाई को वर्तमान समय नि मेडिकल टेस्ट पाई तापर ताकू जेल पठे दिया निस्तावे सीधासलख आम संपद साहू जहाँ को वर्तमान समय नयापल्ली थाना पुलिस गिरफ कर एवं मुंगेरु संपद बंधुक आनी पूरा प्रस्तुत कर रखी आप देखुं ये हूँ से बंधुक जो बंधुक मुंगेरु आसीथिला एवं ये दामी बंधुक धरी हत्या करने अपेक्षा करथिले संपद और तार बंधु एवं पूरा घटना एमती थिला जे कोईला चोरा चलाण एवं टेंडर ता सहित कॉन्ट्रैक्टरी काम पाई जो मानक भितर शत्रुता थिला तांको भितर जने व्यवसायी को हटेबा पाई रास्तारु एमाने योजना करथिले एवं कॉन्ट्रैक्ट किलर हिसाब रे जगत सिंहपुर आसीथिला संपद। संपद नारे 2004 2008 2016 मसिया रे अपराधिक मामला थिला। संपद मध्य ए मामला रे जेल रे थिला एवं जेल रु ही अनेक प्रकार अपराधिक कार्यकलाप को से ऑपरेट करथुला एवं विशेष भाव रे बारंग मद दोकानी हत्या मामला रे संपद रो सीधा सळक इन्वॉल्वमेंट थिला एवं मुंगेरु
आसीथिबा ये बंधुक को किभलि भाबरे प्रस्तुत कराउथला काहेकि आपण जानिसंती पूरा घटना एमिति थिला जे दुई जण बंधुक क्षमा करिवे दुई जण अभियुक्त दुईटी बंधुक धरिकि जेतेबेले नापोली अंचल रे बुलुथिले सेतेबेले स्वप्नेश्वरी मंदिर सामना रे किछि युवक देखिले एवं तापरे पुलिस को सेमाने खबर देले। पुलिस खबर पाई घटनास्थल को जाइथिला एवं अनुध्यान करिया पई चेष्टा करथिला जे अभियुक्त जनक केउ प्रपोजल रे आसीचंती एवं तापरे पूरा घटना एमिति थिला ये दुईटी बंधुक धरिकि दुई अभियुक्त थिले। पल्सर बाइक रे जणे अभियुक्त को जेतेबेले पचरा उचरा करा गला सेतेबेले जणे ठेलिकि पुलिस को पळे जाइथिला एवं आउ जणे बंधुक प्रस्तुत करी पुलिस ऊपर को गुली चलाया पई प्रस्तुत होता बेले ता हाथ को जाबुड़ी धरिया सहित ताकू धक्का मारिथिले पुलिस एसआई एवं परवर्ती मुहूर्त रे अन्य पुलिस कर्मचारी मध्य घटनास्थल रे पहुंचले तापर अभियुक्त को काबू कले एवं ये हार्डकोर अपराधी जे संपद साहू रही नाँ पूर्वरु विभिन्न आपराधिक मामला रही दामी बंधुक से मुंगेरु मगौला और कंट्राक्ट देउथला जे क्या हत्या कर क्या पाखु क्या धमकेब क्या लुटब एवं कोईला चोरा कारबार रे गाड़ी आगे बंधुक धरी संपद जाऊला मोटा रकम टंका कमाउला और बड़ बड़ व्यवसायी को धमकेबा सहित लक्ष लक्ष टंका रोजगार करूला और अन्य जन अभियुक्त जे फेरार होती तार परिचय वर्तमान समय पुलिस सामना को आनी ना तार परिचय खूब शीघ्र पुलिस समस्त सामना को आणव सी हे तो फेरार किंतु यही बंधुक जितेबले प्रस्तुत यही बंधुक ही पूरा जे संपद यही बंधुक को गुड़ रेडी करके रखी था जो थे पुलिस उपरको से फायरिंग करता प्रस्तुत होता बंधुक जितेबले प्रस्तुत था हाथ को जाबुड़ी धरी थे पुलिस कर्मचारी परवर्त मुहूर्त पुलिस कर्मचारी समेत अन्य घेरी जाते काबू करते हे तो ये जो आठटी गोली अच्छी ये सब गुड़ को फुटेपी प्रस्तुत करुला संपद एवं पुलिस ऊपर को सीधा गुड़ चलाई चेष्टा करुला और माधुरी आप देखिपे मुंगेर पूर्व कहुला बंधुक किभली भाव में अभियुक्त पाखक आसूँ ये सात राउंड आठ राउंड गुड़ आप देखुं गोटे थर लक करापर केबे भी बंद हेनी ये बंधुक आठ राउंड फुटी सारे ही रेस्ट नब एवं किभली भाव में पुलिस को काउंटर करने ये बंधुक को व्यवहार कराला और विशेष करके आप देखुं नापल्ली थाना वर्तमान समय संपद साहू मेडिकल टेस्ट करने नि पूर्व जेहेतु अनेक गुड़ी अपराधिक मामला ता ना रही पूर्वर ताकू करने चेषा कर विशेष भाव में आप देखुं संपद साहू को संपद साहू किभली भाव में वर्तमान तार पूर्व क्राइम नेटवर्क कौन थिला एवं जो जो अपराध से लिप्त थिला पूर्वर से तीन चार थर जेल जा चौदार जेल रे से तार पर्सनल ग्रुप तार प्रस्तुत करथिला विशेष करके संपद साहू को पुलिस खोजुला और जगत सिंहपुर केन्द्रापड़ा समेत अनेक स्थान से तार क्राइम नेटवर्क बिछेला और क्या मार क्या धमकेब क्या टंका आदाय कर ये सब कम संपद को अनेक व्यवसाय नियोजित करूँ व्यावसायिक शत्रुता ठूँ आरंभ करी कंट्राक्टरी एमती अनेक गुड़िए बिल्डर व्यवहार करीरे जगत सिंहपुर से ना कमे सारापर धीरे धीरे किभली भाव में सीधा सड़क से राजधानी आड़े अभिमुख है और जो व्यवसायी को हत्या करने को जाऊला संपद पूर्व दुई तीन थर से कंट्राक्ट करते चुक्ति करत्या कर टा नब तो पूर्व दुई थर से नयापल्ली अंचल को आसी संपृक्त व्यवसायी को खोजी हुए तो भाग्य भल था जितेबाला संपद झाबुड़े से पड़ ना से हत्या कर नथिला एवं संपद दुई तीन थर फेरी जिबा परे किभली भाव में पुलिस तृतीय थर पर जबत करी एवं पुलिस पुलिस तृतीय थर पर धरी संपद निकट रू दुईटी बंधुक आठ राउंड गुड़ जबत करी माधुरी ओके सीधा साल विजुआल तो देखा संतोष किंतु जो ग्यांग कथा कहते जे ग्यांग रे मध्य अनेक जन सामिल थी आशा आशंका करा जाउछि से ग्यांग विषय कौन से सुराक मिलुछि देखो तो पुलिस जितेबाला दुईज को धरिया को चेष्टा कला तो जड़े प्रथम जी गाड़ी में बसुला अर्थात संपद गाड़ी चलाउला और आउ जड़े बसुला और सांगे सांगे सीए धक्का मारिकी पलगला जड़े अभियुक्त फेरार होगला आउ जड़े आप देखुं नापल्ली थाना संपद साहू आसूँ संपद साहू से क्रिमिनाल जहाँ को दीर्घ दिन धरी पुलिस खोजुला और विशेष भाव में पुलिस नजर ताला संपद साहू पुलिस को चकमा दे गोटेपर गोटे हत्या करूला और कंट्राक्ट नहीं कि अनेक समय से अपराधिक कार्यकलाप करूला कहार टंका दरकार क्या धमकवा दरकार क्या डरवा दरकार ये सब कम किभली भाव विशेष करके संपद को व्यवहार करूँ अनेक व्यवसायी जो व्यवसायी को वर्तमान समय हत्या करने आस माधुरी
बांसुरी ता भितर दुज अभियुक्त ही कंट्राक्ट नहीं थे और जड़े अभियुक्त कोईला चोरा कारबार में सामिल था और तार मुख्य सहयोगी थी संपद साहू एवं गाड़ी जो कोईला चोरा चलाण हुए गाड़ी सामने कि भाव से सिक्युरिटी दे कि नब एवं सिक्युरिटी दे कि नब एवं विशेष भाव में ताकू भावे गाड़ी को चोरा गाड़ी को पार कर ये काम ही संपद करुला और संपद सहित दुईज थे जो पूरा घटना एमती दुईज युवक जो नापल्ली अंचल बंधुक धरिकी बुलूते ये खबर जो पुलिस पाखे पहुंचला खोलताड़ आरंभ कला वर्तमान जो तदंत प्रक्रिया आगे क्यों सामिल अच्छा आगू तदंत प्रक्रिया जोरदार चालू रही है। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपंकर तमाम सूचना आसे परवर्ती खबर को एवं बहु चर्चित ब्रह्मपुर नववधु घटना अर्थात जितेबाले धारणा देइछंती एवं आजक मध्य अनेक दिन बीतीगला आज मध्य ससुर घर सामने नववधु अर्थात जी तपस्विनी थे डिंपल से मध्य आज भी धारणा बसी रही सीधासलख से आम रिपोर्टर पीतांबर नाहक रही पीतांबर वर्तमान समय कौन अपडेट आसूम तपस्विनी कौन अभियोग आसू माधुरी निश्चित भाव गत काली जो भाव में तपस्विनी कोर्ट को जाते कोर्टे प्रेयर करते या ससुर घर को सी प्रवेश करेंगे एवं स्वामी जोठी रखिए स्वामी सहित रे कि जितेबले कोर्टे डॉक्यूमेंटरी नुह किंतु राय कहगला जो भाव से सखी सेंटर में रे से प्रश्न कले सखी सेंटर में मुझे रही मो पाखे जो धारणा दूसरी सेठार जड़े सामाजिक कर्मी रही अंपटे सामाजिक कर्मी मान सहित मोर शाशु ससुर रही स्वामी रही तो मुझ सखी सेंटर में कहीं रही मोर प्रश्न हम आपण को जितेबाला आप गत काली कोर्ट को प्रेयर करते कौन आर्ट राय दे कौन ता परवर्त समय आप कहीं राय को ग्रहण कले ग्रहण कलिनी ये ना कथ कथा होटा जे से मत राय मुझ प्रेयर करी मत मो हस्बैंड पाखे रखा जाओ आईन गत अनुजाई जहाँ भी राय अच्छी मुझे मांगी थी जे मत मो हस्बैंड सहित से पर्यटन रखा जाए जिते पर्यटन केस्र शुणा है केस्र मैं जिते पर्यटन अधिकार न अधिकार सब्यस्त न कर तू आज तु या स्त्री नाई बोली आईनगत भाव जोड़ा अच्छे तो से प्रेयर करी मो हस्बैंड सहित मिसी रहा कि मत दिहा कि कौन ना कि तू जा सखी सेन्टर रही आगे मुझे फर्स्ट कहबी सखी सेन्टर कहीं रही मुझे असहाय मागे मो घर द्वार ने मत रखा जाए सखी सेन्टर को पठा जाए मुझे भी अच्छी अंतरी तारीख दिन एसडीजेएम मत राय शुणे मुझे अनुरोध करी एसडीएम सदी प्रकृति मानविकता दृष्टि देखु जो गोटे झील के कष्ट आईनगत भाव जहाँ अच्छी तदंत सठीक दिगे जाऊ तपस्वी रही न्याय मिलू बोली आशा रखुंत एक पुणी थे निजर दाबी रखुंत बहुत बहुत धन्यवाद पीतांबर आपंकर तमाम सूचना समय सारी बुलेटिन को ये रखुछ नमस्कार।